मार्कापुर नाम के गांव में चकमा नाम का एक आदमी रहता था। वो एक थैले पर हंडी चिकन बनाकर बेचता था। छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में चिकन बनाता था। वहां खाने के लिए बहुत लोग आकर गिरते थे। थैले के इस तरफ उस तरफ टेबल्स लगाए हुआ रहते थे, उसके ऊपर लोग बैठकर खाते थे। वहां पर हंडी चिकन के साथ साथ मटन, फिश, प्रॉन्स, कबाब, बिरयानी ऐसे बहुत सारे आइटम्स भी मिलते थे। गरीब लोग आते थे तो उनको पेट भर के खाना खिलाकर एक रुपए भी नहीं लेता था चकमा। इसलिए उस थैले को गरीब का हंडी चिकन कहकर लोग प्यार से बुलाने लगे। उसी गांव में विजय नाम का एक युवक रहता था। वो भी वहां पर हंडी चिकन खाता था। उसको चकमा बहुत पसंद था और उसे बहुत इज्जत भी करता था। इसलिए शहर गया तो कुछ ना कुछ उपहार लाकर चकमा को देता था। एक दिन शहर में विजय चलते हुए जा रहा था, तभी एक आदमी भागते हुए आकर उसको धक्का देकर वहां से भाग गया। विजय को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसे देख रहा था। तभी कुछ लोग चोर 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 कहकर विजय को पार करके उस आदमी के तरफ भागने लगे। एक दिन विजय चकमा के थैले के पास आकर हंडी चिकन खा रहा था। उसके बगल में एक और आदमी हंडी चिकन खाने लगा। उसके प्लेट में हंडी चिकन के साथ साथ मटन, फिश, प्रॉन्स, किबाब और बिरयानी भी था। उस आदमी को देखकर विजय इस आदमी को कहीं पर देखा था, कहां देखा था कहकर सोचने लगा। तभी वो खा रहा आदमी गुस्से में उठकर अरे कौन है ये थैले का ओनर, बुलाओ उसको, आओ इधर आओ, ए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कहकर चिल्लाने लगा। उसको चिल्लाने से दूसरे लोग जो खा रहे थे वो चौंक कर देखने लगे। तब चकमा घबराते हुए उसके पास आकर बाबू मैं ही ओनर हूँ, क्या हुआ पूछा। तब वो गुस्से से चकमा का कॉलर पकड़कर तुम ही ओनर हो, एक मारूंगा तो मुंह टूट जाएगा भिखारी कहीं का, मैं कौन हूँ पता है, मेरा बैकग्राउंड क्या है पता है तुमको, तुमको इतनी हिम्मत कहकर उसको मारने के लिए देखा। तब चकमा साहब साहब शांति हो जाइए शांति हो जाइए, असल में क्या हुआ है बताइए पूछा। तब वो आदमी और क्या होना है रे, जो होना था वो सत्यानाश होने के बाद क्या हुआ है कहकर पूछ रहे हो, तुम्हें और तुम्हारे थैले को जलाकर राख कर दूंगा अभी कहा। तब चकमा साहब इतना बुरा क्या हुआ है, असल में क्या हुआ है थोड़ा समझाइए कहा। तब विजय को भी कुछ समझ में नहीं आया और सब लोग देखते रह गए। तब वो आदमी क्या कहना है रे तुमको, क्या समझाना है रे तुमको, देखो एक बार देखो कहकर चकमा का कॉलर पकड़कर उस प्लेट के पास लेकर दिखाया। उसमें देखा तो एक कीड़ा था। तब चकमा साहब गलती हो गया है, मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं होता था, आज ऐसा क्यों हो गया है पता नहीं, मगर मुझे माफ कर दीजिए बाबू कहा। तब वो क्या माफ करना है रे तुमको, तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं है, कीड़ा वाले बिरयानी बनाकर लोगों को क्या करने के लिए सोच रहे हो कहकर जोर से चिल्ला रहा था। तब चकमा साहब साहब जोर से मत चिल्लाइए सब, कस्टमर्स को पता चल गया तो अच्छा नहीं लगेगा, आपका हाथ जोड़ता हूँ कहकर गिड़गिड़ा रहा था। तभी विजय को वो कौन है याद आया। उस दिन उसको धक्का देकर भागा हुआ चोर है कहकर उसे पता चला। तब विजय ओहो ये है चोर कहीं का, बिरयानी में कीड़ा डालकर नाटक कर रहा है, रुको इसको सबक सिखाता हूँ सोचकर धीरे से उठकर उसके पास जाकर खड़ा हुआ। तब वो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा गंदा खाना तुम लोगों को खिलाओगे अभी जाकर फूड इंस्पेक्टर को कंप्लेन करूंगा कह रहा था। तब चकमा बाबू बाबू उतना करके मेरा पेट पर लात मत मारिए, आपको क्या चाहिए बताइए पूछा। तब वो अगर मुझे 10,000 रुपए दिया तो यहाँ से चले जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे अंत देखूंगा कहा। तब विजय ने उसका कॉलर पकड़कर क्या रे तुमको 10,000 रुपए चाहिए 10,000 कहकर एक मारा। तब वो ए मुझे क्यों मार रहे हो पूछा। तब विजय ने उसका प्लेट को पास खींचकर मैंने क्यों मारा क्या रे, उस प्लेट में इतना बड़ा मुर्गी मर गई है वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, मछली मर गई है वो दिखाई नहीं दिया, प्रॉन्स मर गए हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, कल मुर्गी का बनने वाले कितने सारे अंडे हैं वो भी तुम्हें दिखाई नहीं दिया, मगर इतना छोटा कीड़ा मरा हुआ सिर्फ दिखाई दिया है ना तुमको कहकर और चार मारा। तब वो कीड़ा कौन खाता है रे कहा। तब विजय खाना पड़ेगा रे, वो सब खाते हो तो ये क्यों नहीं खाओगे, ए तुम कौन हो मुझे पता नहीं है सोच रहे हो क्या, शहर में चोरी करने वाला बदमाश कहीं का, तुम्हें धोखा देने के लिए हमारा चकमा का गाड़ी ही मिला है क्या कहा।
तब वो, अरे बाप रे, आपको मेरे बारे में पता चल गया है, आपका हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, उस कीड़ा को मैंने ही डाला है, कहा। तब विजय, लोगों देखा ना ये बड़ा कीड़ी है, हमारा गांव का मार कैसा होता है, इसको एक बार दिखाएंगे। कहते ही सब ने उसको पकड़कर खूब पीटने लगे। बाद में चकमा विजय को उसको बचाने के लिए धन्यवाद कहा।